12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई। राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार की बहू बनी। राधिका मर्चेंट के शुभ कदम पड़ते ही अंबानी परिवार और अमीर हो गया। आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। इस शादी में दुनिया भर की हस्तियाँ पहुँची, विदेशी राजनेता पहुँचे, देश के नेता पहुँचे, फिल्मी सितारे थे, खिलाड़ी थे। बहुत ही भव्य शादी हुई और अभी भी शादी के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुंबई में अंबानी परिवार का जियो वर्ल्ड सेंटर है, उसको अपने आप में एक जन्नत का रूप दे दिया गया था और अंदर से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो कमाल के विजुअल हैं कि क्या शादी का मंडप बना, क्या खाना पीना हुआ, सब कुछ इतना लाजवाब है कि बस ये वीडियोज़ लोग देखे जा रहे हैं। इसी बीच आपको बताएं कि इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी अंबानी परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ गई वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। अंबानी के घर लक्ष्मी बनकर आई बहू राधिका। 10 दिनों में रिलायंस ने कमाए 25,000 करोड़। बहू के घर आते ही अंबानी परिवार की लगी लॉटरी। पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गए मुकेश अंबानी। अनंत और राधिका की शादी का महाउत्सव समारोह करीब 7 महीने चला। बीते साल दिसंबर में राजस्थान के नाथद्वारा में दोनों की सगाई हुई और 12 जुलाई 2024 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अंबानी ने शादी में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उनकी संपत्ति का महज 0.5% है। हालांकि मुकेश और नीता अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट उनके लिए बहुत लकी साबित हुई, क्योंकि शादी के बाद अंबानी के नेटवर्थ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एक ओर जहां अंबानी फैमिली में शहनाई बजी, तो वहीं दूसरी ओर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ताबड़तोड़ कमाई की। बीते 10 दिनों में मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का उछाल आया है। 5 जुलाई को उनकी संपत्ति $118 अरब थी, जो बढ़कर $121 अरब हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स पर मौजूद डेटा के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस साल अब तक $22.5 अरब बढ़ी है, जो भारतीय करेंसी में 1.88 लाख करोड़ होती है। इस जबरदस्त बढ़ोतरी ने ग्लोबल वर्थ रैंकिंग में मुकेश अंबानी की पोजीशन को बढ़ाया है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 12वें से 11वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। अंबानी की नेटवर्थ में बढ़ोतरी का श्रेय रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के मजबूत प्रदर्शन को दिया जा रहा है। शादी के दिन रिलायंस के शेयरों में 1% की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले महीने शेयरों में 6.65% की बढ़ोतरी हुई। वहीं 6 महीनों में इसने 14.90 का रिटर्न दिया है। अनंत और राधिका की शादी में अंबानी ने जितनी रकम खर्च की उससे करीब 4 गुना ज्यादा उन्होंने कमाई कर ली है। ऐसे में छोटी बहू राधिका के कदम उनके परिवार के लिए बहुत शुभ माने जा रहे हैं। भले ही मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हों, लेकिन उनकी इस बात के लिए भी तारीफ हो रही कि उन्होंने अपने बेटे की शादी भारत से की और करीब उन्होंने जो 5,000 करोड़ का खर्च है उसमें से 4,500 करोड़ रुपए उन्होंने भारत में खर्च किए। और मुकेश अंबानी ने ये जो खर्चा किया है तो ये तमाम पैसे जो हैं वो भारतीयों के बीच पहुँचे हैं और इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ही मजबूती मिली है। बहुत से तमाम लोग जो इस शादी से जुड़े, जिन्होंने शादी में काम किया, उनको काफ़ी आर्थिक मदद मिली है इससे, उनको इससे रोज़गार मिला है। और इस वजह से कह सकते हैं कि भले ही मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्चा किया, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को मजबूत करने में जो है मदद दी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसकी। उन्होंने एक भव्य शादी की, लेकिन इस भव्य शादी के बहाने उन्होंने पैसे खर्च किए, अपना खजाना खोला, और उनका खजाना खुला तो जो है आम लोगों तक भी उनका पैसा पहुँचा है।